अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड मामले में वांछित चल रहे तथा कथित भाजपा नेता 75,000 रुपए का इनामी ऋषि शर्मा के विरुद्ध एसडीएम कोल रंजीत सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने कार्यवाही करते हुए फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। इतना ही नहीं, मार्केट में मौजूद शराब के ठेके को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि थाना जवा इलाके में शराब माफिया ऋषि शर्मा द्वारा चक रोड की जमीन पर अवैध कब्जा करके फार्म हाउस के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया था, जिस पर एडीए की शिकायत पर बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि तथाकथित भाजपा नेता ऋषि शर्मा का इलाके में होटल गार्डन गलेरिया नाम से फार्म हाउस बना हुआ है, जहाँ जवा इलाके में ही एक शराब का ठेका भी बना हुआ था। दोनों ही जगह प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई। एसडीएम के मुताबिक अब तक ऋषि शर्मा के अलावा 50,000 के इनामी विपिन यादव के घर, दिगंबर के ट्यूबवेल व एक शराब के ठेके पर पहले ही बुलडोजर चलवाया जा चुका है। आगे भी माफियाओं पर कार्यवाही जारी रहेगी। जिला अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ ऋषि शर्मा के जो तथाकथित इनका फार्म हाउस और होटल है, इसके बारे में हम लोग ने जब जांच करवाई तो यह पता चला कि इन्होंने जो सरकारी रास्ता है उस पर लगभग 2.5 मीटर की चौड़ाई में इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो उसके अंतर्गत हमारी राजस्व की टीम सुबह से पैमाइश कर रही थी, पैमाइश करके इसका चिन्हांकन किया और अब हम लोगों ने सब ने मिलकर करके और इनके चारदीवारी को गिरवा दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी इनकी संपत्तियों को ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उसको हटवाएंगे। अभी हमें यह भी जानकारी मिली कि जमा बाजार के अंदर एक कुएं की जमीन थी जिस पर इन्होंने खोखे के डाल के कब्जा करवा रखा था किसी और को, अभी उसको भी हटवाने की कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ये जितने भी शराब माफिया चिन्हित हैं, इनकी जो भी संपत्तियाँ हैं जहाँ इन्होंने सरकारी संपत्तियों को दबंगई से कब्जा कर रखा है, उन संपत्तियों को छुड़वाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तकरीबन कितने की कीमत की जमीन होगी जो इन्होंने कब्जा की? अब इसकी कीमत वर्तमान में 1 CR से कम तो नहीं होगी, और बाकी इनकी संपत्तियों को ढूंढ करके इसका डिटेल बना करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और SSP साहब को भेज चुके हैं। कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है? पहले हो चुकी है। अब तक देखिए, जैसा आपको पता है कि ये दिगपाल जो है उसने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लोधा के जमीन पर ट्यूबवेल बनाया था, उसको हमने हटवाया। करसुआ का जो देशी शराब का ठेका था वो रास्ते पर बना हुआ था, उसको हमने हटवाया। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।